नमस्ते बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम अन्योक्ति अलंकार के विषय में पढ़ेंगे कि अन्योक्ति अलंकार की पहचान, इसके लक्षण क्या क्या हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण छंद हैं जिन छंदों में अन्योक्ति अलंकार की प्राप्ति होती है और इसे कहते किसे हैं, इसकी पहचान क्या है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बात जिसे कहनी होती है, मतलब कोई बात हमें किसी व्यक्ति से कहनी होती है, सीधे उससे न कहकर किसी दूसरे माध्यम से या दूसरे का सहारा लेकर कही जाती है, ऐसे पदों में अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। कहनी हमें कोई एक बात है, वह ए को कहनी है और ए को डायरेक्ट न कहकर हम क्या करते हैं, हम बी से, ये ए को न कहकर हम क्या करते हैं, बी से कहते हैं। और कहनी हमें सुनानी किसे, ए को, लेकिन कही किसके हो, हमने बी को, सबकी सुनानी किसकी थी, किसको थी, ए को। तो इस प्रकार से कहनी हमें ए को थी लेकिन हमने बी के माध्यम से वो बात कही, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। देखते हैं क्या लिखा है कि जिस पद में ए प्रस्तुत अर्थात उपमान के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत या उपमेय का बोध करवाया जाता है, कि जो ए प्रस्तुत है, जो हमारे सामने नहीं है, उसके वर्णन के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रस्तुत जो हमारे सामने उपमेय है उसका बोध करवाया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रस्तुत प्रशंसा भी इसे कहा जाता है। इसे अन्य इन इसे अन्योक्ति इसलिए कहा जाता है कि किसी वस्तु या पदार्थ का सीधा वर्णन न करके उसके समान गुणों वाली वस्तु का वर्णन करके उसका ज्ञान करवाया जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, बिहारी सतसई का एक पद लिया गया है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। यहाँ पर क्या था कि माली को आता हुआ देख कर कलियाँ जो हैं वे पुकार कर उठी और कलियों ने क्या कहा कि फूले फूले चुन लिए, कि जो फूल चुके थे उनको चुन लिया गया है, काली हमारी बारी और कल को हमारी बारी भी आएगी। ये बात किसने कही, कलियों ने। लेकिन यहाँ पर न बाग है, न कलियाँ हैं, न पुष्प हैं, न माली है। यहाँ इसका सीधा अर्थ क्या निकल, दूसरा अर्थ क्या निकलता है कि मृत्यु को आते हुए देख कर या मृत्यु को देख कर कलियन अर्थात युवा लोग कह उठे, फूले फूले चुन लिए, कि जो उम्र पा चुके थे उनको उठा लिया गया और कल हमारा नंबर भी आएगा। तो यहाँ पर मृत्यु को की बात कही जा रही है लेकिन अप्रस्तुत अर्थात पुष्प, माली, बाग और कलियाँ, इनका उल्लेख करते हुए बात कही जा रही है, अतः इसमें अन्योक्ति अलंकार होगा। दूसरा बिहारी सतसई की से ही लिया गया है कि नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही शो विंध्यो आगे कौन हवाल। कि न पराग है, न मधुर मधु ही है और न ही इस काल तक इसका पूरा विकास ही हुआ है। अली हे मित्र, हे भ्रमर, कली ही सो बंधो, तुम आज इस कली से ही बंध गए तो तुम्हारा आगे क्या हस्र क्या हाल होने वाला है। ये बिहारी ने महाराजा जयपुर को संबोधित करते हुए जयपुर से ये बात कहनी थी लेकिन महाराजा को सीधे शब्दों में बात कहने का साहस वे कर नहीं पाते हैं, तो वे पराग, मधु, पुष्प, कली और भ्रमर के माध्यम से अपनी बात कहते हैं कि आप नव विवाहिता रानी के मोह पास में इस कदर जकड़ गए हैं, फंस गए हैं कि अभी तो इस रानी का पूरा यौवन निखार पर ही नहीं आया है और आज ही आप इनके मोह पास में इस प्रकार से बंध गए हैं, तो जब ये पूर्ण विकसित होंगे तब आपका क्या हाल होने वाला है। तो बच्चों, ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।